appreciate it. आज दूसरा दिन हमारी कथा का हुआ है। व्यास जी महाराज ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें विष्णु पुराण की इतनी मधुर कथा का स्मरण कराया और हमने सब लोगों ने मिलके बड़े प्रेम से, भक्ति से, व्यास जी महाराज के मुखारविंद से हम सब लोगों ने विष्णु पुराण की कथा का आनंद लिया। मैं एक छोटा सा साधु, जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है, आज सिर्फ थोड़े से शब्दों में इतना ही कहूंगा। हर किसी के जीवन का एक अपना महत्व होता है। हम सबको अपने अपने जीवन के महत्व को समझना चाहिए। हम सब, भगवान ने हम सब लोगों को बड़ा सुंदर ही जन्म दिया है। मनुष्य सारे संसार की जातियों में से सर्वश्रेष्ठ जाति है, मनुष्य जाति, और उसमें भी हमको इतने सुंदर सुंदर कथाएं, इतने सुंदर सुंदर उपनिषद, वेद, छंद, इन सब का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है, हर साल यहाँ अनेकों कथाएं होती हैं। उन कथाओं में हमें जीवन का महत्व समझाया जाता है, जो आज व्यास जी महाराज भी अपने शब्दों से यही चीज समझा रहे थे। भगवान क्या है, भगवान ने क्या लीलाएं रची, उन लीलाओं के पीछे क्या सार था, वो समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि में, अपने अंतरकरण में, स्वयं में खो जाना चाहिए। तभी हम उसको पहचान सकते हैं कि कथा क्या है। कथा तो जो कोई व्यक्ति कोई शब्द कहता है, कोई सुनता है, कोई कहता है, वही कथा है। पर कथा वो होती है जिस कथा को सुन करके हमारी आत्मा के अंदर शांति का एक आनंद सी लहर उठने लगती है और अपने आप में इंसान खोने लगता है, वही शांति है। जीवन हमें मिला है अपने लिए, अपने साथ जीने वाले जीवों के लिए। मनुष्य का जीवन दूसरों के लिए होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने वर्ग में, अपने अपने क्षेत्र में खुद के लिए करता है, साथ में अपने बच्चों के लिए, आने जाने वालों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षी के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हर व्यक्ति करता है। चाहे वो धर्म के रास्ते से चलता हो या अधर्म के रास्ते से चलता हो, यही जीवन है। और जीवन का महत्व क्या है, वो जीवन का महत्व ये है कि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। क्योंकि हमको गुरु महाराज भगवान भोलेनाथ ने एक छोटा सा शब्द दिया है, बुद्धि। यदि हम लोगों के पास बुद्धि ना हो तो हम लोग भी पशु के समान हैं। मात्र उसी तरह से तो जन्म लेते हैं हम सब, और उसी तरह से बगैर कर्म करने वाले, जो कोई धर्म कर्म नहीं करते, ध्यान नहीं करते, ज्ञान नहीं जानते, ध्यान नहीं जानते, किसी पूजा व्यक्ति के पास नहीं बैठते, कोई धार्मिक के पास नहीं बैठते, कोई अच्छे शब्द नहीं लेते, लेते हैं तो उनको सुनते नहीं, समझते नहीं, अपने अंदर गुणते नहीं, आधे से ज़्यादा तो आज के समय में क्या होता है, अभी कोई अच्छी बात सुनी लेकिन थोड़े समय के बाद में भूल जाते हैं वो अच्छी बात क्या थी। हाँ, किसी के लिए स्वाद के लिए अच्छी रहेगी, समझाने के लिए, बताने के लिए दूसरों को, पर खुद को समझने का भी तो प्रयास करना चाहिए। हम मनुष्य हैं ना, हमारा जीवन है, हमारा तत्व है, भगवान ने हमें एक सुंदर तत्व दिया है। आप सब जितनी आत्माएं यहाँ इस समय मौजूद हैं, सभी आत्माओं के अंदर में परमात्मा का एक छोटा सा अंश विराजमान है। उस छोटे से अंश को सदा सदा ही मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब ही मैं आप में है, आप मुझ में है,
जो भगवान मुझे जितना अंदर मेरे विराजमान है उतना ही भगवान आप सबके अंदर। भगवान क्या है? आकाश तत्व ज्ञान का तत्व होता है, भगवान होती है माँ, इस धरती पे जन्म देने वाली माँ, चाहे वो जीवात्मा किसी भी प्रकार की हो, उसकी जो भी माँ है वही भगवान है, उसके जो भी पिता है वही भगवान है, ये भगवान होते हैं। हमारा जीवन का मूल महत्व होता है कि हम अपने जिस माता पिता से हम जन्म लें उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुँचाएं, यही हमारे जीवन का मूल महत्व है गृहस्थ जीवन में। अब मैं संन्यास में हूँ, मेरी भी माता है, मेरे को भी जन्म देने वाली एक जन्मदायिनी है। जब उसने मेरे को इस संन्यास भेष में देखा तो वो बहुत रोई थी। एक बार को तो मेरे को कहा उसने कि ये सब छोड़ और आ जा गृहस्थी में, तेरी मैं शादी करा देती हूँ, ऐसा करा देती हूँ। मैंने कहा माँ एक बात बता, तेरे पास दो बेटे हैं, एक प्यारी सी बेटी है, तूने उन सबका लालन पालन किया, क्या मैं एक अकेला धर्म के रास्ते पर चल करके आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता? तो माँ बड़ी खुश हुई और आशीर्वाद दिया कि बेटा जो रास्ता आपने चुना है उस रास्ते पे आप सफल हो, और मुझे आशीर्वाद दे करके घर से भिक्षा दे करके विदा किया। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी कोई सास बहू बेटी बाप बेटा या ससुर कोई भी है, इन सब की माताएं हैं, सब अपने अपने माताओं को प्रणाम करें, उनके सम्मान करें, उनका हृदय में ध्यान करें, क्योंकि यही धरती के असली भगवान हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, ये जीवन का महत्व है, इस महत्व को समझो कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, इसी बात को समझना है। जीवन तो हर पशु हर पक्षी अपने अपने स्तर पे जी लेता है, पर असली जीवन तो वो होता है जो दूसरों के लिए जिया जाता है, और दूसरों के लिए जीना ही चाहिए। जीवन इसी का ही नाम है, मनुष्य इसी का ही नाम है, ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे अपने छोटे से शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि अब समय भी हो रहा है, आप सब माताओं को कोई घास काटेगी कोई कुछ करेगी, सबको अपने अपने जगह जाना है, तो सब काम करते रहिए पर अपनी गति अपने धर्म को ना छोड़िए। आज जो आप लोगों ने स्मरण किया है इस स्मरण को अपने अंदर अध्ययन कीजिए, ध्यान लगाइए, अपने आप को जानिए पहचानिए। आप स्वयं वही शक्ति है जो शक्ति मेरे अंदर है, आप लोगों ने मुझे गुरु बना करके इस आश्रम में बैठाया है, वही शक्ति आप लोगों में भी है। जो मैं अपने अंदर देखता हूँ वही आप लोगों के अंदर देखता हूँ, इसीलिए मैं आप सब माताओं को माँ कहता हूँ, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो कोई हो, मेरे लिए वो सब माँ है, क्योंकि धरती का रूप है ये धरती जगत जननी। उसी प्रकार से मैं सब जितने पुरुष वर्ग के लोग हैं, स्त्री वर्ग के लोग हैं, अन्यथा किसी अन्य जाति के हैं, वो सभी भगवान का एक स्वरूप है। तो सभी के अंदर में वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। अपने अपने शक्ति को पहचानो, अपने अपने गुण को पहचानो, भगवान आप सबका कल्याण करे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ भुवनेश्वरी। थोड़ा